नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। और थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट का एक चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, जिसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी इसको जरूर देखें। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, एन इंजन यूजेज ऑयल एट द रेट ऑफ 6.5 किलोग्राम पर आवर। मतलब जो हमारी फ्यूल कंजप्शन दिया है वह इतना दिया है किलोग्राम पर आवर। अंग दिया कैलोरीफिक वैल्यू दिए ऑयल की कितनी, 30,000 किलो जूल। अंग लिखा इफ द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन इज 22 किलोवाट एंड मैकेनिकल इफिशियंसी इज 80%। कैलकुलेट हमें करना है, कैलकुलेट जो करना है उसको मैं सही से लिख देता हूँ। मैं सही कर दिया, सबसे पहले इंडिकेटेड पावर निकालना मतलब आईपी निकालना, फिर इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी निकालना, फिर ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालना, फिर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकालना। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं, कुछ ना कुछ नया रहता हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो भी मैं समझाता हूँ। तो हर एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझें, जिससे इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो आपसे बन सके। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं। इसके बाद जो दिया डाटा बिल्कुल स्टार्टिंग से चलें, जैसे फ्यूल कंजप्शन दिया, तो फ्यूल कंजप्शन को किससे हम एएफसी से डॉटेड करते हैं। यह दिया 6.5 किलोग्राम पर आवर्स। तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो आवर्स दिया उसको हमें सेकंड में चेंज करना है। तो 6.5 बटे सीधा हम कितना करेंगे, 3600 60 × 60, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकेंड में। अब नेक्स्ट डाटा दिया कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसको हम सीवी से नोटेट करते हैं। कितना दिया, 3000 और किलो जूल दिया गया। आगे दिया ब्रेक पावर दी गई, मतलब बीपी दी गई है। बीपी कितनी दी, 22 किलोवाट दी गई। मैकेनिकल इफिशियंसी दी, मैकेनिकल इफिशियंसी, इफिशियंसी का ऐसा सिंबल बनाते हैं, एम बना दें। कितना दिया, 80% दिया। जब भी ऐसी इफिशियंसी किसी भी क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हमेशा क्या करें, 100 का डिवाइड करके उसको परसेंटेज उसका हटा दें। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ता, ये वैल्यू हो जाएगी 0.80। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। इतना देने के बाद हमें लिखना है कि आईपी कैलकुलेट करना है, और जो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट करना, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी और स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। कैसे निकालेंगे वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप देखते चलना, सब ध्यान से देखना। ब्रेक पावर दी गई है, याद रखें ब्रेक पावर दी और मैकेनिकल इफिशियंसी दी है। तो यहां पर बड़े अच्छे से लिखेंगे हम बी नो दैट, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हम जो यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है ये दी गई है, इसको हम यूज करेंगे। और मैकेनिकल इफिशियंसी का जो फॉर्मूला बनता है वह आपको याद होगा, क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन क्या होता है, इंडिकेटेड पावर। यही क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब जो ब्रेक पावर अपॉन क्या है, ये हमारा इंडिकेटेड पावर हो गया। अब इसको हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इंडिकेटेड पावर निकालना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंडिकेटेड पावर, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ब्रेक पावर, नीचे जी इसमें ये मतलब इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसको हम कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो ये हो जाएगी इफिशियंसी। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें बीपी की वैल्यू कितनी दी गई, 22 दी गई, अपॉन मैकेनिकल इफिशियंसी 0.80 दी गई, 0.80। अब हम इसका डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 27.5 किलोवाट। ब्रेक पावर जिस यूनिट में ली वही यूनिट यहाँ पर लिखे। तो आईपी आ गई हमारी, जो आईपी आ गई तो सेकेंड वाला जो डाटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, इसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते। फर्स्ट तो हम लोग निकाल चुके, अब सेकेंड निकाला, सेकेंड का भी डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ये क्या इफिशियंसी का फॉर्मूला है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी निकालना, तो यहाँ पर आई लगा इक्वल। जैसे मैंने बताया था थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला याद करना आसान होता है, इंडिकेटेड निकाला तो हम क्या लिख देंगे ऊपर आईपी इंडिकेटेड पावर लिख देंगे, नीचे सिर्फ हमें क्या लिखना, फ्यूल कंजप्शन इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू 100, मतलब परसेंटेज में चेंज करने की सारी वैल्यू पुट करने से। आईपी अभी हम लोगों ने निकाली हुई है 27.5 बटे में एफसी कितना दिया, 6.5 बटे में कितना दिया है, 3600 इंटू सीवी कितना दिया, 30,000। 1 2 3 4, बस इसको सॉल्व कर लें, नीचे वाली वैल्यू पहले सॉल्व करके रख लें,
ऊपर वाली वैल्यू रख लें, फिर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली का डिवाइड कर दें, तो जो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है, इसमें सॉरी 100 का मल्टीप्लाई करके और दिखा देते हैं इक्वल, अब बाद में इक्वल लगा लें, तो ये जो आ रहा आंसर है आ रहा है 48%। याद रखें जरूर नहीं, बाद में भी आप 100 का वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला टाइप का बन जाता है इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, 48% आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालना है। तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी कॉमन फॉर्मूला पहले भी मैं कई डिस्कशन कर चुका हूँ, इफिशियंसी मतलब यहाँ पर स्मॉल पी लगा दें, ऊपर क्या हो जाएगा बीपी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेट पावर ऊपर हो जाती है तो ब्रेक पावर की इफिशियंसी निकाल दो, ब्रेक पावर ऊपर हो जाएगी, नीचे वाली जैसे तैसा रहेगा एफ सी इंटू सी वी, बस हमें बीपी की वैल्यू कितनी है 22 है, यहाँ पर देख सकते हैं डाटा में बने ए वाली बटे में हम जो वैल्यू यहाँ लिखी उसको सेम का सेम लिख दें 6.5/36000×3000। अब ये हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 40% आ रही है, इत्यादि 40% आ रही है। अब बहुत अब थर्ड डाटा और निकालना है तो उसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, फोर्थ नंबर का है। इससे पहले मैं बता दूँ आपको, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स हमारी ए बी क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। ए बी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक दी गई, उसको वीडियो को देख लें, और वहीं उसके जस्ट बगल में एक लिंक और दी गई है जिसमें आप डायरेक्ट एप्लीकेशन की लिंक दी गई, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उन सब में आपको किसी भी टाइप के टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, यदि आप यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैक्सिमम सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, तो वहां से उसको देख लें। वो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको कुछ भी डाटा नहीं मिल रहा है तो हमारा एक नंबर मैं आपको ये बता देता हूँ 9229667, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो फ्यूल कंजप्शन निकालना तो उसको मैं लिख देता हूं स्पेस पे फ्यूल कंजप्शन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का जो फॉर्मूला होता है पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ये होता हमारा जो हमारा वैल्यू दी गई कौन सी एक फ्यूल कंजप्शन की, तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकाला तो फ्यूल कंजप्शन ऊपर लिख दें, बटे में हम क्या कर लें जो हमारे ब्रेक पावर दिया जाता है उसको नीचे बटे कर देते हैं, तो ब्रेक पावर कर देते हैं। अब हमें वैल्यू पुट कर देना, जो फ्यूल कंजप्शन दिया कितना दिया यहाँ पर 6.5 दिया, बटे में क्या है 36000, इसके भी बटे कितना है यहाँ पर दिया 22, तो यहाँ पर 22 ऐसा लिख लें। इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, कोशिश करें इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने की, 6.5 बटे क्या 36000, इसको पहले कैलकुलेट करके ऊपर लिख लें, फिर नीचे वाली वैल्यू का क्या करें उसका डिवाइड कर दें। मैं कैलकुलेट करके इसको एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैं समझाना भूल गया था और डायरेक्ट मैंने यूनिट लिख दी थी। अब ये क्या है इसको किस यूनिट में निकालना ध्यान रखें, ये 6.5 है और क्या है बटे में कितना है 36000 मल्टीप्लाई क्या 22, इसको हमें निकालना पड़ता, जो यूनिट है वह क्या है किलोग्राम पर बीपी पर आवर्स, इसमें निकालते हैं। जबकि यहाँ 3600 का डिवाइड है मतलब सेकंड में हम निकाल रहे हैं अभी, तो इसको आवर्स में यदि चेंज करना तो हम ऊपर क्या करते हैं 60×60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह 60×60 का एक कैंसिल हो जाता है। अब इस तरह जो भी 6.5 उसमें डायरेक्ट 22 का हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर बचेगा वह है 0.295 किलोग्राम पर बीपी पर आवर्स। तो पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, आप समझ में आ गया, क्या याद रखें ये जो यहाँ पर 3600 का डिवाइड ऑलरेडी हम लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने क्यों किया था सेकंड में चेंज किया था, लेकिन सेकंड की ही वही डाटा मैंने रखा है। अब हमें किस में चाहिए आवर्स में चाहिए, अब फिर से हमें आवर्स में चेंज करना है तो नॉर्मली ये इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाना तो क्या ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसको हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 60×60 का और डायरेक्ट, और ये कुछ भी नहीं करना डायरेक्ट आप क्या करें जो भी वैल्यू यहाँ पर आवर्स में दी गई हो, आवर्स में कितनी दी 6.5 दी है, तो जो एफ सी है इसको किस में रखें आवर्स में रख दें, तो आवर्स में 6.5 दी गई तो 6.5 डायरेक्ट रख दें और बटे में क्या जो भी ब्रेक पावर दी गई उसको रख दें।
सीधा डिवाइड कर दें, तो इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और नहीं तो आपने जो मैंने बता दिया वैसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपस में यूज करके सीधा ब्रेक पावर का डिवाइड कर दें, तो हमारी स्पेस पे फ्यूल कंजप्शन आ जाएगी। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।